पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट बेसिकली सेल्स इन एंड इन्वेंटरी ऑफ एनी स्टोर शॉप्स, कैश एंड कैरीज, रेस्टोरेंट एंड स्मार्ट वे. ठीक है, ये अक्सर लोगों को पता भी है, जाने अनजाने में आपका इससे पाला पड़ा है. कहाँ पाला पड़ा है भला इससे? इससे आपका पाला पड़ा है रेस्टोरेंट्स में, इससे आपका पाला पड़ा है कैश एंड कैरीज पे, शॉप्स पे. आपने बहुत दफा देखा होगा वो एक मशीन उठा के स्कैन कर देते हैं, टक की आवाज आती है और आपको कहते हैं ये लें बिल और जाए. अब देखिए ना, उन आपका अगर इससे पाला पड़ा है तो कितना कुछ उन्होंने टाइम लिया, टोटल 50 सेकेंड और 30 सेकेंड. 30 सेकेंड में उन्होंने आपको अल्लाह हाफिज कह दिए, पैसे भी ले लिए, सारी कैलकुलेशन. और उस 50 सेकेंड में मजे की बात यह है कि ऑनर की रिपोर्टिंग भी तैयार हो गई, टैक्स भी तैयार हो गया. उस 50 सेकेंड में आपके सेल्स, जितना सब कुछ था, मामला थे, सारे तैयार हो गए. बाल पॉइंट उठाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑनर को भी नहीं है, शॉप वाले को भी नहीं है. बस ऑनर ने रात को सुकून से चाय के कप पे सिस्टम खोलना है, टुडे सेल निकालनी है, सारी सेल सामने आ जाएगी कि अच्छा आज इतनी सेल होगी, अच्छा जरा ना देखता हूँ किस किस चीज की सेल ज्यादा हुई है जी, सबसे ज्यादा तो ये चीज बिक गई है, अच्छा सबसे कम ये बिक गई, अच्छा अगर सबसे ज्यादा ये बिक गई है तो इसका मतलब ये तो इसकी इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई है, अच्छा चलो यहाँ से जो है ना वो पुट कर दो, अपना परचेज ऑर्डर पुट करो और नया माल मंगवा दो. तो ये खूबसूरती है पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट की. हर शॉप पे क्यों नजर आ रहे? अब फॉर एग्जाम्पल कैश एंड कैरी को देख लें. कैश एंड कैरी, मुझे बताएं कि यहाँ पे लाखों की प्रोडक्ट्स पड़ी, लाखों सॉरी नंबर्स की प्रोडक्ट पड़ी हैं, अमाउंट उनकी ज्यादा है, लेकिन ऑनर को कैसे पता चलेगा कि कितने शैम्पू कम हो गए, कितने साबुन कम हो गए, कितने सिरेलक कम हो गए, कितनी जो है ना ड्रिंक्स कम हो गई हैं? ऑनर को तो तभी पता चलेगा कि वो कहीं पे नोट हो रहे होंगे. अब अगर ये मैं बंदे को रजिस्टर पकड़ा दूं तो आप तो शॉप से बाहर ही ना निकल पाए, क्योंकि जब आपकी बारी आएगी हो सकता है 4 घंटे गुजर गए. ठीक है, 4 घंटे में आपकी बारी आएगी अगर 100 कस्टमर खड़े. क्यों? हर बंदी की मैंने सारे बिल बनाने हैं, हर बंदे को मैंने हाथ में बिल थमाना है, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम. सो वी हैव इट. और हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये 3500+ जो है ना इंस्टॉल्ड है पाकिस्तान में, मतलब 3500 स्टोर्स पे, शॉप्स पे इंस्टॉल्ड है. अगर किसी ने कभी डिटेल मांगनी हुई तो वी विल गिव यू. हम बेसिकली अपनी क्लाइंट की प्राइवेसी को सबसे पहले रखते हैं, तो ज्यादातर क्लाइंट हमें कहते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं बताना कि हम आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्टोर होता है, ये एक बहुत बड़ा नाम होता है, वो चाहते हैं कि वो लोगों को बताएं कि ये सॉफ्टवेयर भी हमारा है. तो हम ऐसी सूरत हाल में उनके साथ NDAs करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स. तो कुछ हम नहीं डिस्क्लोज करते, कुछ कहते हैं हाँ जी शौक से बताएं, हम फिर बताते हैं जी ये हमारे 10 क्लाइंट्स हैं. ठीक है, तो इसमें ये जो मैंने बातें की हैं ये सारी कंट्रोल होती हैं, सेल्स मॉनिटरिंग है. हम अपनी सेल को मॉनिटर करते हैं. स्टॉक कहते हैं कि मेरे पास एक चीज कितनी है. वेंडर एंड परचेज मैनेजमेंट, वेंडर कहते हैं जो कि भाई साहब आपको प्रोवाइड करते हैं. परचेज मैनेजमेंट, आपने क्या चीज कितनी खरीदी. प्रोडक्ट इन्वेंट्री ट्रैकिंग, प्रोडक्ट जो है आपकी इन्वेंट्री में ट्रैक हो रही है. ट्रैक से मुराद 10 लेट सपोज आ गए आपके पास लैपटॉप्स इन्वेंट्री में, उसमें से 4 निकल गएंगे, ट्रैक हो गए. बेसिकली कैसे ट्रैक हो गए? 4 कहाँ गए जी? एक जी इब्राहिम के पास गया, एक उस्मान के पास गया, एक इसके पास गया. ठीक है, तो बेसिकली वो ट्रैक हो रहे हैं. चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें मैंने कहा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही इसको बेटर जानते हैं. इसमें लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इक्विटी, ये सब चीजें चार्ट ऑफ अकाउंट का हिस्सा है. डेली सेल, रोजाने की सेल, और स्टॉक की रिपोर्टिंग, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, सारी सेल्स, टैक्स रिटर्न, ये सारा सॉफ्टवेयर सब कुछ खुद बना रहा होता है. और इसकी तो आजकल एक बहुत अच्छी खूबी हमने ऐड की है कि ये FBR के साथ भी वर्क करता है. मतलब FBR ने जो रिक्वायरमेंट डाली है कि हर पॉइंट ऑफ सेल हमें बताया करेगा हमारे सिस्टम पे कि आपने क्या सेल पुट की है, तो हमने इसको अटैच भी किया FBR के साथ. अगर कोई नहीं कराना चाहता तो वो नहीं कराता, अगर किसी ने कराना है तो दिस सॉफ्टवेयर हैव फ्यू ऑप्शंस. हम आगे चलते हैं. ये भी हम वन टाइम देते हैं ज्यादातर. ठीक है, वन टाइम, क्योंकि ये डेस्कटॉप प्रोडक्ट है. ये ऑनलाइन भी है लेकिन ज्यादातर लोग ऑफलाइन लेते हैं, यानी ये नेट के बगैर भी चलती है. ठीक है, ये हमारी वाहिद एक प्रोडक्ट है जो इंटरनेट की जरूरत इसको नहीं पड़ती. ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, दोनों इसके वर्जन है. तो वन टाइम है, कम, ये वन टाइम और कम पैसों पर. डेस्कटॉप के वर्जन हमेशा सस्ते होते हैं, उसकी वजह है कि उसमें हम अपनी सारी कोड शोड नहीं देते थे, बल्कि
सॉफ्टवेयर जैसे आपके पास एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया और वो चल पड़ा। और मंथली जो है मेंटेनेंस इसकी होती है 2000 हो गए 3000 रुपए हो गए, वो एक कंपनी हमें हायर कर लेती कि जी हम आपको ये देते रहेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो ठीक कर देना, ना हुआ तो आप मौज करें हम भी मौज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट से कर सकते।